नमस्कार दोस्तों, आपका शुरू में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात करने वाला हूँ वीज़ा के बारे में कि वीज़ा क्या होती है और वीज़ा हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, पहले मैं बात करता हूँ वीज़ा क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ठीक नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिसको आप प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं वीज़ा के बारे में। तो वीज़ा फ्रेंड, एक तरह से देखा जाए तो हम एक देश से दूसरे देश में जो जाते हैं, यानी कि एक देश से हम अपने, जैसे इंडिया से हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो जिस देश में जाते हैं उस देश से हमें अनुमति लेनी पड़ती है, अपनी पूरी जानकारी उनको देनी पड़ती है एक फॉर्म के रूप में कि हम आपके देश में क्यों आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, हम कहाँ रुकेंगे, पूरी डिटेल जो हम देते हैं। और सरकार क्या करती है, जो उनकी सरकार होती है, वो आपसे कुछ टैक्स लेती है, यानी कुछ पैसे आपसे लेती है टैक्स के रूप में, और फिर वो आपकी पूरी जानकारी चेक करके फिर आपको एक वीज़ा देती है, जिसके ज़रिए आप उनके देश में इंटर कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी फ्रेंड वीज़ा क्या होती है। और अब बात करते हैं इंडिया में वीज़ा आप कहाँ कहाँ से बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं बताऊँ, इंडिया में आप वीज़ा न्यू दिल्ली है, मुंबई है, आपका चेन्नई है, तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है, क्योंकि अब इतना फास्ट टेक्नोलॉजी हो गया है कि अब आप ऑनलाइन भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको दिल्ली या फिर मुंबई या फिर चेन्नई या फिर और भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड ये थी कुछ वीज़ा के बारे में जानकारी कि वीज़ा क्या होती है और इसको कहाँ से अप्लाई करें। तो फ्रेंड मैं यही कहूँगा कि आप वीज़ा के बारे में बता दें, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो हमें अनुमति लेनी पड़ती है उन सरकार से, तो वो क्या करते हैं, आपकी पूरी डिटेल लेके आपको जो एक वीज़ा देते हैं, जिसके ज़रिए से आप उनके उनके कंट्री में इंटर कर सकते हैं। तो ये थी वीज़ा क्या होती है। और ये बुक करने के लिए मैं बता दिया कि आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी, इंडिया के जो एम्बेसी होंगी या फिर उनकी जो एम्बेसी होंगी वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 3 से 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो फ्रेंड ये थी पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।